जय हिंद बच्चों, आइए हम जानते हैं सौर मंडल में वह कौन कौन सा ऐसे ग्रह है जिसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसे प्राकृतिक ग्रह कहते हैं, किसे गैसीय और चट्टानी ग्रह कहते हैं, किसे प्राकृतिक ग्रह कहते हैं, किसे गैसीय ग्रह कहते हैं और किसे बृहस्पति का ग्रह कहते हैं, किसे जैवियन ग्रह कहते हैं, किसे वाह ग्रह कहते हैं। यह विभिन्न परीक्षाओं में इन आठों ग्रहों को जो समावेश है वह बार बार पूछता है कि इसमें कौन सा पार्थिव ग्रह है, कौन सा जैवियन ग्रह है। इन ग्रहों को पहचानने के लिए आज हम आपको बताते हैं वह कौन कौन सा ऐसे ग्रह है जो पार्थिव ग्रह है और वाह ग्रह है। आइए इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि जो आगे के जो चार ग्रह है, पहले नंबर पर जो ग्रह है इसे कहते हैं बुध, दूसरा ग्रह कोई है तो इसको कहते हैं शुक्र, तीसरा ग्रह अगर कोई है तो इसे कहते हैं पृथ्वी, और चौथा अगर कोई ग्रह है इसे कहते हैं मंगल। दोस्तों अगर बाह्य ग्रह की श्रेणी में देखा जाए तो इसे कहते हैं पहले नंबर पर ग्रह कोई है तो बृहस्पति, दूसरे नंबर पर अगर कोई ग्रह है तो शनि, तीसरे नंबर पर अगर कोई है तो अरुण, और चौथे नंबर पर कोई ग्रह है तो वरुण। दोस्तों ये आगे के जिसने जो आगे के जो चार ग्रह है इन ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह के श्रेणी में जानते हैं। इन सभी ग्रहों को हम किस रूप में जानते हैं, पार्थिव ग्रह के श्रेणी में जानते हैं। तो पहली बात समझ जाइए, इस पार्थिव ग्रह के रूप में अगर देखा जाए तो पहले इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसी आंतरिक ग्रह को भीतरी ग्रह के नाम से जानते हैं, भीतरी ग्रह के नाम से जानते हैं। इसी ग्रह को हम पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रह को हम प्राकृतिक ग्रह के रूप में जानते हैं। और इसी ग्रह को हम प्राकृतिक वह गैसी ग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक, अगर उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर इस साइड में देखा जाए तो ये जो चार ग्रह के जो चार ग्रह हैं, ये चार ग्रह, इन चार ग्रह को वाह ग्रह कहते हैं। इसी ग्रह को हम गैसी ग्रह के नाम से जानते हैं। इसी ग्रह को अगर हम भीतरी ग्रह इधर कहते हैं तो इधर हम कहते हैं बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। इन ग्रहों को हम जैवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। इस ग्रह को हम गैसी के साथ साथ इसे कहते हैं बृहस्पति के ग्रह के नाम से जानते हैं, बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप यह कह सकते हैं बाह्य ग्रह के श्रेणी में कौन सा ग्रह है, तो इधर देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह है। बाह्य श्रेणी के ग्रह श्रेणी में कौन आ रहा, शनि आ जा रहा है, फिर कौन आ अरुण आ जा रहा, फिर वरुण आ रहा है। उसी प्रकार से आप जैवियन ग्रह के रूप में कह सकते हैं तो यह अरुण है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर क्या है वरुण है। ऐसे ही आगे के पीछे के जो चार ग्रह है उनको बाह्य ग्रह, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं, बाह्य ग्रह कह सकते हैं। इसको हम गैसीय ग्रह कह सकते हैं, इन ग्रह को हम बाहरी ग्रह कह सकते हैं, इन ग्रह को हम जैवियन ग्रह कह सकते हैं, इसी ग्रह को बृहस्पति ग्रह कह सकते हैं। उसी प्रकार से आगे के जो चार ग्रह हैं कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर कह रहा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। दोस्तों इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कह सकते हैं, भीतरी ग्रह कह सकते हैं, पार्थिव ग्रह कह सकते हैं, प्राकृतिक ग्रह कह सकते हैं, प्राकृतिक और गैसीय ग्रह सकते हैं। अगर इन सभी को अगर आपको देखना है तो आप ऐसे ग्रहों का आप चाहें तो इसी फिगर का आप ऐसे देख सकते हैं। पहले नंबर पर अगर आप चाहेंगे तो इसे क्या देख सकते हैं, बुध,
फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसी प्रकार से अगर आगे की तरफ देखा जाए तो इन सभी ग्रहों को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये जो आगे के जो चार ग्रह हैं और पीछे के जो चार ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों के को अलग एक अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो ये आंतरिक ग्रह हो गया, अगर यहां पर देखा जाए तो यह बाह्य ग्रह हो गया, अगर यह भीतरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसे बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे प्राकृतिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे गैसी ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे गैसी व चट्टानी के नाम से जाना जाता है, गैसी व चट्टानी ग्रह के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं, इन्हें बृहस्पति के ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे जेवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए इन सभी लोगों को देखा जाए, अगर एक साथ अगर आप देखना चाहेंगे तो ऐसे कर लीजिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक उसी प्रकार से अगर देखें तो इसे क्या कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों अगर आप परीक्षाओं में देखा जाए तो इसे किस प्रकार से पूछता है, तो परीक्षा के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसे आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बुध को कहते हैं, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं।